ऑनर गॉड विद योर टाइम, अपने समय के द्वारा परमेश्वर का आदर करें। वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका चैप्टर 58 वर्स 13 एंड 14। यशायाह की किताब चैप्टर 58 5-8 उसकी 13 और 14 आयत। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा, और मैं तुझे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन लिखा है। सब बोलेंगे आमीन। आज का जो प्रोफेटिक वचन मैंने क्या दिया, प्रोफेटिक वर्ड क्या था कि आप एक कदम आगे जा रहे हैं, आपका लेवल ऊंचा हो रहा है। यहाँ पर परमेश्वर ने वो सेम बात करी है जो प्रोफेटिक वचन था, इसका मतलब ये वचन आत्मा की ओर से है। कह रहा है यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, आज कौन सा दिन है, आज विश्राम दिन है, और कह रहे अगर इस दिन को तू अशुद्ध ना करे छुट्टी करके, अगर इसको अशुद्ध ना करे बाहर ही खड़ा रह के, अगर तू अशुद्ध ना करे अर्थात मेरे पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, कि आज के दिन मैं अपने घर में शादी रख लूं, कोई प्रोग्राम रख लूं, कोई कुछ काम करने लग जाऊं, कह रहे अगर तू इस बात का यत्न ना करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा के पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, अगर तू माने कि आज एतवार का दिन है, परमेश्वर के आनंद करने का दिन है, उसकी महिमा का दिन है, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन पर अपने मार्ग पर ना चले, अगर तू परमेश्वर का आदर करके कि आज एतवार का दिन है, मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना, मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, महिमा करनी है, वचन सुनना है, और तू अपनी इच्छा को पूरी ना करे, अगर तू आज के दिन अपनी इच्छा को पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, बहुत सारे लोग अपनी बातें बोलते हैं, परिवार पालना है, रोटी खानी है, परमेश्वर बोलते हैं तेरी बातें हैं, मेरी बातें नहीं है, तो कह रहा अगर तू अपनी बातें ना बोले और तू यहोवा के कारण सुखी होगा, हालेलुया, इस कारण तू सुखी होगा, अगर अपने परमेश्वर को, मैंने क्या बोला, हमें परमेश्वर का आदर कैसे करना है, ऑनर गॉड विद योर टाइम, अपने समय के द्वारा परमेश्वर का आदर करें। जिन लोगों ने आज अपना समय संडे का परमेश्वर को दिया, आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, और जो आदर करेगा उसके लिए वर्ड ये है, यहोवा के कारण वो सुखी होगा, आप सुखी होंगे, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने को दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर तुझे ऊंचा करेगा अगर तू आज यहां पर आया है। आमीन। परमेश्वर को आदर करने का फल भी परमेश्वर ने मौके पे ही बता दिया। जो संडे को आते हैं, जो लगातार एतवार को आते हैं, बिना मौसम को, बिना इधर उधर की बातें, बिना किराए देखे, बिना सुस्ती देखे, यहोवा बोलते हैं मैं उसको सुख दूंगा, सुख, और वो यहोवा के कारण सुखी होगा और अपने देश के ऊंचे स्थानों पर वो रहेगा। यहोवा आपको ऊंचा करेगा, वो आपको आशीषित करेगा, वो तेरा आदर बढ़ाएगा लोगों में, जो लोग लगातार परमेश्वर के वचन को सुनकर उसके मुताबिक चलते हैं, जो परमेश्वर का अपने समय के द्वारा आदर देते हैं। हालेलुया। पूरी मानव जाति, जो पूरी दुनिया के लोग हैं, इनकी जो एवरेज एज है, उम्र है, वो 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, और कितने घंटे आपके पास हैं, कितने दिन आपके पास, आप गिन सकते हैं। उन दिनों में से, उन घंटों में से, उन मिनट में से, उन सेकंड्स में से जो आपकी जिंदगी में प्रभु ने आपको दिए हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे, आप कितना टाइम परमेश्वर को देते हैं, उतना ही समझ लेना कि मैंने परमेश्वर का इतना आदर किया है। अब आप गिन लो अपने दिनों को, आपने अपनी जिंदगी भर कितने मिनट परमेश्वर को दिए हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु को दे दी, इसका मतलब मैं समय के द्वारा सबसे ज्यादा आदर करता हूँ।
जो पास्टर लोग हैं, संडे को भी, बुधवार को भी, वीरवार को भी बंदगियां करते हैं, प्रेयर में बैठते हैं, उनके जीवन का टाइम ज्यादा परमेश्वर को जाता है। आप देखो कौन आदर करता है, तो वो बढ़ेंगे कि नहीं? ऐसे लोग बढ़ते हैं जो परमेश्वर को कह रहे जो मुझे समय, परमेश्वर बोलते हैं जो मुझे एतवार के दिन या और दिनों में जो मुझे अपना समय देता है, यहोवा बोलते हैं वो यहोवा के कारण सुखी होगा और वो ऊंचा किया जाएगा। तो आप ऐसे ब्लेस्ड होते हैं। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से जो वचन निकला। हालेलुया। जो परमेश्वर को अपना टाइम देते हैं, कह रहा जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा के डरवैये हैं, वो कभी भी भूखे नहीं रहते। हालेलुया। आप भूखे रहने वाले नहीं हैं अगर आप अपने परमेश्वर को वचन, परमेश्वर को अपने टाइम के द्वारा आदर करते हैं, परमेश्वर को अपना टाइम देते हैं, कि जब परमेश्वर का टाइम है तो टाइम है।